हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काइज़न इनोवेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि गूगल पे ऐप की मदद से आप आपके LIC का जो प्रीमियम है वो आप कैसे भर सकते हो, आपका जो LIC का जो अकाउंट है वो गूगल पे के अंदर आप कैसे लिंक कर सकते हो, एक नहीं मल्टीपल आप अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हो, इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये एक नया एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा गूगल पे ऐप के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने गूगल पे ऐप के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता हूँ। जो पिन डालना होता है आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे, मेरा गूगल पे का इस तरह का पूरा एक स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो टॉप बार में जो सर्च आ रहा है वहाँ पे आपको जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो मैं वहाँ पर LIC सर्च करता हूँ, LIC, ठीक है दोस्तों। LIC हम जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट इसमें आप को थोड़ा सा थोड़ा फोकस करना है दोस्तों। आपको जो तीसरे नंबर पे आ रहा है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो फोर्थ नंबर पे है LIC हाउसिंग ऑन फाइनेंस। जिसने अगर कोई फाइनेंस या हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आप उसको क्लिक करना रहेगा, अदरवाइज आपको प्रीमियम भरना है LIC में तो ये वाला ऑप्शन थर्ड नंबर को आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों, अब मैं यहाँ पर कट करके दिखा देता हूँ, इस तरह का इसका इसका इंटरफेस होता है। और इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, नो लिंक अकाउंट अभी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि हमें यहाँ पे एक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो एरो वाला आइकन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिंक अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आ रही है। तो आपने जो ईमेल आईडी डाली होगी जिससे आप गूगल पे के अंदर आपने जो ईमेल आईडी यूज़ की होगी वही ईमेल आईडी यहाँ पे आएगी, क्योंकि जो भी हम LIC का प्रीमियम भरेंगे उसके बाद हमारी ईमेल आईडी पे उसका रिसिप्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमको पॉलिसी नंबर डालना होता है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपना पॉलिसी नंबर कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पॉलिसी का नंबर है और ये जो लिंक अकाउंट है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक अकाउंट पर क्लिक करूँगा दोस्तों ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिव्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कि आपने यहाँ पे जो जो भी इन्फॉर्मेशन डाली एक बार आप चेक कर लो ये सही है या गलत है। तो मेरे केस में यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे दिखाई जा रही है वो कंप्लीटली एकदम एक्यूरेट है। तो यहाँ पे लिंक अकाउंट में मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैं लिंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों इस तरह का एक इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और मेरा अकाउंट यहाँ पे कंप्लीटली लिंक हो चुका है। और दोस्तों अब मेरा यहाँ पे प्रीमियम भी आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों ये मेरा जो अमाउंट आ रहा है इतने का मेरा प्रीमियम है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जस्ट इस एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि मेरा जो ड्यू डेट है, मेरा मतलब ये हुआ कि जो मैं प्रीमियम भरना है उसकी लास्ट डेट क्या है। ये मेरा नाम आ गया, यहाँ पे बिल नंबर आ गया, ये अमाउंट आपको देखने को मिल रही होगी और ये मेरा पॉलिसी नंबर है। इस तरह से आप दोस्तों ये अकाउंट कम्प्लीटली लिंक हो चुका है, मेरा LIC का जो भी मेरा अकाउंट है वो गूगल पे के अंदर कम्प्लीटली लिंक हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बिल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो हम नॉर्मली हम पेमेंट करते हैं गूगल पे की तरह से गूगल पे के अंदर, उसी तरह से हम इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैक आ जाता हूँ, मुझे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। दूसरा, अब मैंने बोला था मल्टीपल अकाउंट लिंक करना, तो जैसे आप यहाँ इस एरो पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे लिंक अकाउंट आ गया, मतलब आपको जितना चाहिए उतना आप अकाउंट लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि आपने ये पे वे कर दिया सब कुछ ठीक है, रिसिप्ट आ जाएगा जैसे ही आप पेमेंट पे करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर रिसिप्ट आ जाएगा। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इस तरह से मेरे को रिसिप्ट आ चुका था, ठीक है। अब इसको मुझे लिंक करना है तो दोस्तों ये जो आइकन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो भी अकाउंट था वो अनलिंक हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया, ठीक है। ये मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ऊपर लिखा हुआ है अनलिंक अकाउंट। जैसे ही अनलिंक अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों ये अकाउंट लिए कम्प्लीटली अनलिंक हो चुका है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको अटैच कर दूंगा कि इस तरह का इसका इंटरफेस था, मतलब मुझे इस तरह के इंटरफेस में मुझे ईमेल आईडी पे रिसिप्ट आया था, ठीक है। तो जो भी आपने ईमेल आईडी डाला था उसके अंदर आपको रिसिप्ट देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो LIC का पोर्टल है उसमें आपका मोबाइल नंबर और आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो डाल के भी आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो वहाँ पे भी ऑलरेडी रिसिप्ट वहाँ पे जनरेट हो चुका होगा, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको रिसिप्ट आपके हाथ में मिल जाएगा, उसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली कि किस तरह से हम इसके अंदर मल्टीपल LIC के अकाउंट लिंक कर सकते हैं, अनलिंक कर सकते हैं, अपना प्रीमियम कैसे भर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जरूर से आप लोगों की मदद करेंगे। हेल्प करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।